Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, today we'll discuss about the concept related to moment of inertia. And the question is, find out the moment of inertia about the x-x axis and the thickness of the member is 20 mm. अब देखो यहाँ पर अगर इस वाले क्वेश्चन को लास्ट वाले क्वेश्चन से आप कंपेरिजन करोगे, लास्ट वाला क्वेश्चन भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया से रिलेटेड था, बट उसमें कोई स्पेसिफिक एक्सिस नहीं गिवन था. उसमें क्या बोला था, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, और फिगर कैसा था आपका, अनसिमेट्रिकल था. अब देखो अगर आपका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, फिगर कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले उसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा बाई बार वाई बार. बट यहाँ पर आपको वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है. वाई, बिकॉज हमें पता है, देखो अगर मैं इसके इस वाले एक्सिस के अबाउट देखता हूँ, फिगर इज अनसिमेट्रिकल. ऑब्वियसली कैसा फिगर है, अनसिमेट्रिकल फिगर है अबाउट द होरिजोनटल एक्सिस. बट यहाँ पर हमसे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा. देखो टू बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है. अगर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो आपको यहाँ पर भी पहले वाई बार निकालना होगा. एंड आफ्टर दैट जब वाई बार निकल जाएगा, उस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालोगे. बट हमें किसके अबाउट निकालना है, आपकी बार वी जस्ट कैलकुलेट अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस. सो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी लैंग्वेज, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है. तो ध्यान रहे दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करना प्लीज़, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस आपके हो सकते हैं. वो मिस्टेक को अवॉइड करना तो आपको इजी होगा क्वेश्चन करने में. चलिए अब देखो सिंपली हमने क्या कर लिया है, वी जस्ट डिवाइड दिस फिगर इनटू सिंपल सिंपल फिगर. जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने इस वाले फिगर को नेम दे दिया है फिगर नंबर वन, एंड इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस वन इज़ फिगर नंबर टू एंड दिस फिगर इज़ कॉल्ड फिगर नंबर थ्री. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, ड्यू टू वन, ड्यू टू टू, ड्यू टू थ्री, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो मैंने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ड्यू टू पार्ट वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया ड्यू टू पार्ट टू प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया ड्यू टू पार्ट थ्री. अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करना, पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट वन की, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ड्यू टू पार्ट वन. तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट वन, ये लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन था आपका वर्टिकल, उसकी बात कर रहे हैं. अब देखो अगर उस एक्स जो पोर्शन है, अगर उसका एक्सिस देते हैं, देखते हैं सेंट्रोइडल, वो ये होगा. बट हमें किसके अबाउट निकालना है, वी कैलकुलेट अबाउट द एक्स एक्सिस. तो यू नो वेरी वेल दोनों एक्सिस के एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ फिगर नंबर वन अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, तो उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज़ करने वाले हैं. तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेफिनेशन क्या होती है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द गिवन एक्सिस, जो भी आपको एक्स एक्स या ए बी जो भी गिवन होता है, इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दैट फिगर अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए वन इंटू एच वन स्क्वायर. अब देखो आपको पता है फिगर कैसा है, रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंट्रोइडल कितना होता है, बी डी क्यू अपॉन 12. देखो यहाँ पर कभी कभी इस पूरे फॉर्मूले को ऐसे ना लिखकर डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए, इसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, बी डी क्यू अपॉन 3. यूज़ करने को आप कर सकते हो, बट आप उसमें गलती कर जाओगे. कोशिश करना कि आपका जो स्टैंडर्ड वे है उससे उसको ही आप फॉलो करो, इस तरीके के थ्रू ना जाओ. वैसे आपका आंसर इससे भी करेक्ट आएगा, बी डी क्यू अपॉन 3 भी आपका यही आंसर आने वाला, जो मैंने इसे पूरे प्रोसीजर से निकाल रहा हूँ. मोस्टली आपको कभी कभी बुक में डायरेक्टली ये बी डी क्यू अपॉन 12 भी मेंशन होगा, राइट. चलो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी इज इक्वल टू 20, डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डी इज़ 150. तो बी डी क्यू अपॉन 12. अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ एच वन. अब एच वन में आपको कन्फ्यूजन होता है मेनली, तो एच वन क्या होता है, दैट इज़ द गैप बिटवीन टू सेंट्रोइडल एक्सिस. अब देखो एक तो हमें ये निकालना है, इस एक्सिस का अबाउट हम निकाल रहे हैं, और दूसरा सेंट्रल एक्सिस कौन सा है, दिस वन. ये कहाँ पर एक्ट करेगा, रेक्टेंगल है उसके जस्ट हाफ पर होगा. किसके अबाउट अलोंग निकाल रहे हैं, वर्टिकल के अलोंग. वर्टिकल में हमारे पास क्या आ रहा है, 150. तो 150 का हाफ कितना होगा, दैट इज़ 75 mm. तो एच वन निकल गया, एरिया हमें पता होता है. तो सारी चीज़ हमारे पास आ गई है, बी इंटू डी का क्यू अपॉन 12 प्लस ए, दैट इज ए वन इज इक्वल्स टू 150 इंटू 20, 3000 हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाई 75 का होल स्क्वायर. तो वैन यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, वी गोट द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7 mm टू द पावर 4. तो टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स, राइट. मोमेंट ऑफ इनर्सिया की यूनिट कितनी होती है, mm टू द पावर 4. गलती करके आप mm स्क्वायर mm क्यूब मत लिख कर आ जाना, वो गलत हो जाएगा, राइट.
अब देखो यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो फिगर नंबर टू के लिए, अदरवाइज़ दोनों पार्ट बहुत सिंपल थे। अब ये हमारे पास फिगर नंबर टू ये है, यहाँ पर वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बॉटम से। दैट मीन्स ये टोटल देखो जो यहाँ तक का जो गैप हमारे पास कितना था, वो 150 था। कितना था? 150 था। अगर 150 में से 20 वाला ये वाला पोर्शन निकाल देता हूँ तो कितना बचेगा, ये वाला गैप बचेगा यहाँ पर 130, कितना बचेगा, 130 बचेगा। चलो अब हम पहले अगेन देखो देख लेते हैं मुझे किसका अबाउट निकालना है, एक्स एक्स का अबाउट निकालना है। अब फिगर का जो सेंट्रोइड है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के यहाँ पैरेलल। तो जब इसका फिगर नंबर जो मोमेंट जो है टू टू पोर्शन का जब एक्स एक्स के अबाउट ट्रांसफर करेंगे तो अगेन वी यूज़ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपकी वही अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई एक्स एक्स सी प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। अब देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है ओनली ड्यू टू द बेसिस ऑफ एच टू। अब देखो एच टू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एच टू अगर मैं ओनली इस वाले फिगर की बात करता हूँ, इसका सेंट्रोइड क्या होगा, उसके हाफ पर होगा, 20 का हाफ कितना होगा, 10 होगा। अब हम कहाँ से मेजर करेंगे, बॉटम से मेजर करेंगे, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस भी उसमें 10 में हम ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 130 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट ओनली, वो 140 हो जाएगा। आपको पता है पर बी कितना है, 100, डी कितना है, 20। तो 100 इंटू 20 क्यू अपॉन 12 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 20 आपका ये क्या हो गया, एरिया हो जाएगा इंटू 140 का स्क्वायर। अब देखो 140 आप एक बार और बता देता हूँ, 130 जो रिमेनिंग डिस्टेंस प्लस सेंट्रोइड, उस फिगर का सेंट्रोइड कितना होगा, 20 का हाफ कितना होगा, 10 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस 130। तो आप व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन यू गोट द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स टू इज इक्वल्स टू 3.926 इंटू 10^7 mm टू द पावर 4। देखो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस पूछा था, इसमें आपको एक एक्सिस गिवन है, दैट्स वाई ये सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो हमारे पास राइट साइड वाला पोर्शन आ गया है, इसकी डायमेंशन भी सेम है 150, दिस वन इज 150, दिस वन इज 20 mm। तो अगेन अब हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, अब एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, बट इसका सेंट्रोइड कहाँ पर है, अबाउट दिस 33 एक्सिस के अबाउट है। अब इसको वहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए अगेन वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, आई एक्स एक्स सी प्लस ए थ्री एच थ्री का स्क्वायर। अब सेम फॉर्मूला होगा, रेक्टेंगल है, बी डी क्यू अपॉन 12 इंटू ए थ्री क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच थ्री क्या हो जाएगा, 150 का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस अगेन यू गोट द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स थ्री इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10^7 mm टू द पावर 4। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्स है वो कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री, तीनों को हम ऐड कर देंगे, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8.4267 इंटू 10^7 mm टू द पावर 4। दिस वन इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। गाइज इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू मे आस्क राइट नाउ बाई द कमेंट सेक्शन एंड बाई द व्हाट्सएप ग्रुप बाई द टेलीग्राम ग्रुप। आपको कोई डाउट है, फर्दर डाउट है, कोई आप पूछना चाहते हो किसी यूनिट से भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, सर इस वाले क्वेश्चन को या इस वाले टॉपिक पर आप एक क्वेश्चन डिज़ाइन कर दीजिए तो मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, राइट। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कोशिश करिए, देखो जितना आप लोग का फ्रेंड सर्कल है जिसको लग रहा है डाउट है आप उसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोग का भला हो जाए, राइट गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।